रतन जी ने मुझे इन्वाइट किया है और उन्होंने ये कहा कि जो उनके टीम है, जो उनको डाउट्स आ रही है, तो वो हम हैंडल करें। तो मैं कोई ऐसी तैयारी करके नहीं आया। मैं नॉर्मली किसी भी प्रेजेंटेशन में अपनी तैयारी करके नहीं आता। तो जैसे आप कहेंगे उस हिसाब से मैं सेशन को करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर वोजेक्टर का यूज़ नहीं है, मैं लैपटॉप को ऐसे ही अपना काम कुछ कर रहा था, ठीक है ना। तो आप पहले ये बताइए कि आप लोगों ने एयर प्योरीफायर के बारे में सुना है? यस सर, सब लोगों ने सुना है। और आप लोग कितने महीने पहले या कितने साल पहले एयर प्योरीफायर के बारे में जानते हैं? 6 महीने, 1 साल? हाँ, 6 महीने और साल भर पहले से आपको मालूम है एयर प्योरीफायर के बारे में। कितने लोगों ने एयर प्योरीफायर खरीदा है अपने लिए? अच्छा, वेरी गुड। और कितने लोग एयर प्योरीफायर के बारे में बातचीत करते हैं? तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? बातचीत करते हैं तो कुछ दिक्कतें आ रही है आपको? मैं बोर्ड का इस्तेमाल तो कर सकता हूँ। मोस्ट अवेलेबल ब्रांड्स हैं वो, कोई 9,500, कोई 11,000, 10,000। और जब हम बोलते हैं कि इसका रेट जो है MRP 19,500 और वो सब है, तो परेशानी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप इतनी मायूस होकर मत बोलिए। आज जब आप जाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा। जाने से पहले आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो मुझे जाने मत दीजिए। तो पहला पॉइंट है प्राइसिंग। यस सर, ठीक है। हाँ, और छोटा है कि हमारे पास एक घर का जो साइज है मतलब वही कवर हो जाएगा ना एक्सपेंसिव। मतलब आपको यही लगता है ना, पैसे के हिसाब से छोटा या साइज के हिसाब से छोटा? हाँ, बात तो वही हो गया ना एक्सपेंसिव और साइज छोटा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको साइज के हिसाब से छोटा चाहिए या पैसे के हिसाब से? दोनों। साइज के हिसाब से छोटा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है 250 square feet का है। अच्छा। और जनरली घर जो होते हैं ना, वो बेडरूम अगर मान के चले, अब बेडरूम 150 से 150 square feet का होता है, इससे छोटा फिर वो काम नहीं करेगा। बेडरूम 100 के आसपास होता है। आप अगर उस बेडरूम में ये लगाएंगे तो परफॉर्मेंस बेटर होगा ना। जल्दी से साफ करेगा वो, बात करेंगे हम। और क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं आपको, या आप खुद क्यों नहीं खरीद रहे हैं, किस वजह से? पता नहीं है तो इसको ऐसे लिखते हैं कि किस बारे में नहीं पता, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, या प्रोडक्ट क्यों लेना है इसके बारे में नहीं पता। आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं पता, तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता या क्यों लेना है उसके बारे में? मतलब यही मालूम है, ये नहीं मालूम है कि क्यों लेना है। बिलीव नहीं है सर, बिलीव नहीं है। मतलब बेनिफिट्स नॉट नोन, ठीक है। और प्रोजेक्शन जरूरत नहीं है ऐसे। भरोसा नहीं है मतलब प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे भी हो सकता है वैसा। रतन सिंह जी का फोन है, आ गए सर। बार बार ही कॉल। बिलीव का मतलब जो पिक्चर बताते हैं इसके अंदर में चार पार्टिसिपेट है, जैसे कॉल इन्वेस्टर है, हमारा हैप्पा फिल्टर है जो काम करता है,
वो जैसे कि एनवायरनमेंट क्वेश्चन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब मोबाइल खरीदते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो आप इसमें सिम लगाते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। जब कोई टीवी खरीदते हैं तो आप डिश टीवी कनेक्शन लगाते हैं और पिक्चर देख पाते हैं। एसी खरीदते हैं तो लगा देते हैं तो ठंडी हवा आती है। तो हर एक प्रोडक्ट में रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स आपको दिखते हैं। लेकिन एयर प्योरीफायर खरीदने के बाद, 18,000 रुपये का, 18,500 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने के बाद, उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा, इसमें तो एक पंखा है, हवा निकाल रहा है। तो ये बहुत एक अहम पॉइंट है, लोगों को भरोसा नहीं होता कि मैंने 18,000 रुपये लगाया है, इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करिए, मैंने 10,000 रुपये लगाया, फ़ोन लिया, मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ, वैल्यू फॉर मनी, कि मुझे, मैं फ़ोन कर पा रहा हूँ, व्हाट्सएप कर पा रहा हूँ, पिक्चर ले पा रहा हूँ, है ना। लेकिन 18,000 रुपये लगाए मैंने प्योरीफायर पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें से हो क्या रहा है, हवा ही छोड़ रहा है सिर्फ, और कुछ लाइट निकल, लाइट जल रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट। इसमें वैल्यू फॉर रिजल्ट्स, जैसे इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं है, या वैल्यू फॉर मनी, मेरे पैसे जो है वो किधर गए, वो है कहाँ। वेरी गुड पॉइंट। और आप कुछ बताएं सर, ये ब्रांड्स के बारे में, जैसे कुछ ब्रांड्स का बार बार कस्टमर ही नाम देते हैं, फिलिप्स है, और एक वो कौन सा कैंट का, वो तो इसमें कवर हो गया ना, बोलते हैं तो अच्छा। अब देखिए, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। अब क्या है कि ब्रांड एक अलग चीज़ है, ब्रांड का मैं यहाँ पे आपको जवाब नहीं दे सकता। ब्रांड किसके माइंड में क्या पॉपुलैरिटी है, अब वो कोई नहीं कह सकता, है ना। वो इसका मैं आपको कुछ जवाब, सॉरी, दे नहीं पाऊँगा। अब हाँ जी सर, वेरी गुड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक घर के अंदर मुसाफिर रहेंगे तो ठीक है, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो फिर ज़्यादा बॉडी को वो आदत पड़ जाएगी, इन्फेक्शन। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि मतलब आप अगर 24 घंटे में से 8-10 घंटे प्योरीफाइड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आप बाहर जाते ही बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये एक रेजिस्टेंस है। मतलब अगर मैं फ्रेश एयर में रहूंगा ज़्यादा समय तक, तो मैं बाहर की पोल्यूशन को झेल नहीं पाऊंगा और मैं जल्दी बीमार पड़ जाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, मतलब मेरी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहता हूँ, तो यही बात कहना चाह रहे हैं। और By the way, Sharp एक 115 साल पुरानी ब्रांड है, 116 साल, और Sharp ने ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल के अंदर कैमरा फ़ोन सबसे पहले Sharp ले जाए। अगर आप मोबाइल के अंदर, मतलब आज मोबाइल के अंदर कैमरा जो है एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, ये 2000, आज से 18 साल पहले Sharp मोबाइल के अंदर कैमरा फ़ोन लेके आया था पहली बार। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर का इन्वेंटर है Sharp, और क्लच पेंसिल मालूम है आपको, जिसमें दबाते हैं और लीड निकलता है, मतलब उसमें कोई Sharp नहीं करना पड़ता। हाँ, आपको क्लच पेंसिल, जो मतलब आप इंजीनियर अगर हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं, तो क्लच पेंसिल का इन्वेंशन Sharp ने किया है। LCD, अगर आप LCD कहेंगे, LCD का इन्वेंटर Sharp है। माइक्रोवेव का इन्वेंटर Sharp है। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन हैं।
हाँ इंडिया में मैं ये कह सकता हूँ कि सैमसंग एलजी की तरह पॉपुलर ब्रांड नहीं है, बट टेक्नोलॉजी में शार्प सुपीरियर रहा है हमेशा। आज भी कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे एयर प्योरीफायर के अंदर प्लाज्मा क्लस्टर है, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्लाज्मा क्लस्टर की बेनिफिट्स क्या है, कैसे आप बता पाएंगे कि प्लाज्मा क्लस्टर जैसे 8-9 हज़ार के बदले में आप जो 18 हज़ार दे रहे हो किस चीज़ से दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में आज भी शार्प सुपीरियर। एक क्वेश्चन किया था कि हमारे घर में तो एसी लगा है वो ही क्लीन कर देता है, वेरी गुड। उसमें ही आजकल फिल्टर भी आ गया, प्लाज्मा फिल्टर। एसी आल्सो प्लाज्मा प्यूरिफाइज। ये बहुत लोगों को माइंड में गलत फहमी है। आपको लगता है एसी प्यूरिफाई करता है? तो देखते हैं कि एसी में क्या है जिससे ये प्यूरिफाई कर सकता है, वो भी देखेंगे। और कोई पॉइंट? सर मॉस्किटो फ्री भी बोला जाता है ना, आया मॉस्किटो फ्री, तो वो भी है इसमें टेक्नोलॉजी है ना इसमें? नहीं, मॉस्किटो का अलग है। मॉस्किटो जो आप लोग जो मॉडल प्रमोट करेंगे उसमें मॉस्किटो नहीं। देखिए मॉस्किटो वाला हम आपका जो नेटवर्क है वहाँ पे मॉस्किटो वाला जो मॉडल है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि मॉस्किटो अगर घर के अंदर आपके 3 हैं तो हो सकता है 1 पकड़े, आपके घर में 20 है तो हो सकता है 5 पकड़े या 10 पकड़े, बट कोई उसमें कोई फिक्स्ड रिजल्ट्स नहीं है। तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि ऐसे नेटवर्क में जहाँ पे एक बिलीफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, वहाँ पे आप किसी को अपने दोस्त रिश्तेदार को ऐसा प्रोडक्ट देना नहीं चाहेंगे जिसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो हम पहले सबसे पहले मैं तो ये सोच के आया था कि एक डेढ़ घंटे में करेंगे प्रोग्राम, लेकिन ये जो आपके पॉइंट्स हैं इसको थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब कितना समय आप दे पाएंगे? डेढ़ घंटे का टाइम आपके पास है? ठीक, डेढ़ घंटे का टाइम है ना, अभी जैसे 7:45 है, तो कोशिश करता हूँ मैं डेढ़ घंटे के अंदर रैप अप करने की। हाँ, अगर आपके पास उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप बहुत सारे हमारे वीडियोस है तो उसको देख सकते हैं, तो और इलैबोरेट में वो एक्सप्लेन है। आज मैं ऊपर से टच करके शायद चले जाऊँ, लेकिन डिटेल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें आपको इसके जवाब, अगर कोई स्पेसिफिक आप जवाब चाहते हैं तो उसके रिलेटेड। आप आज डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गए हैं, तो सारे जवाब आपको, मतलब क्वेश्चंस पता होना चाहिए तो जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसी से शुरुआत करते हैं कि एसी एक्चुअली करता क्या है। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि एसी मेरे घर पे है तो मुझे प्यूरीफायर की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसी करता क्या है, एसी क्या करता है। आप बताइए एसी क्या करता है? जैसे ये आपका रूम है तो एसी क्या करता है? ठंडा करेगा कमरे को, हवा को ठंडा करेगा। इस कमरे के अंदर की जो हवा है उसको रोटेट करता है, कूल करेगा, राइट। तो बाहर से कोई हवा आती है? अंदर की हवा बाहर जाती है? क्यों जाती है? कितने लोगों को लगता है कि अंदर की हवा एसी से बाहर जाती है? हाथ उठाएंगे। आपको लगता है क्यों? सर जो कंप्रेसर वाला होता है, जो कंप्रेसर कहाँ होता है? बाहर होता है। ये बाहर होता है कंप्रेसर? हाँ। तो आपको ये लगता है कि ये कंप्रेसर जो है अंदर की हवा को बाहर फेंक रहा है? इनकी गलत फहमी भी दूर करनी चाहिए ना। आपको क्या लगता है? अंदर की हवा को, अंदर के हवा को ये बाहर फेंक रहा है? हाँ। आप गाड़ी चलाते हैं?
हाँ, आपके गाड़ी में एसी है, एसी चला के गाड़ी चलाते हैं, उसके अंदर एक सेटिंग दिया हुआ है ना, एसी की एक सेटिंग दी हुई है, एक होता है एक ऐसा सिंबल बना होता है और एक ऐसा सिंबल बना होता है। आप कौन सी मोड में एसी चलाते हैं गाड़ी में? स्टार्टिंग में लेफ्ट वाला। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है गाड़ी के अंदर जो है? सर एक जो बाहर से हवा है उसको सर करके कर देता है, एक जो ज़्यादा अंदर होती है बहुत अच्छी नहीं नहीं ये और ये बटन जो होते हैं ना गाड़ी। एक मिनट, सिर्फ यही जवाब देंगे। आप लोगों को डाउट नहीं है ना? हाँ। इनको डाउट है ना? हाँ। आप गाड़ी चलाते हैं तो ये दोनों बटन होते हैं? हाँ होते हैं। आप जब गाड़ी की एसी चलाते हैं कौन सी मोड पे चलाते हैं? तो लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट वाला का मतलब क्या है? जो अंदर की होती हो, अंदर की अंदर के ह्यूमिडिटी नहीं हवा, ये इसका मतलब है अंदर की हवा को कूल करता है। ये इसका मतलब क्या है सर? जैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है कम करने के लिए, उसके लिए उसको। तो आप इसमें कभी चलाते हैं? हाँ बाहर से हवा। इसमें चलाते हैं? क्यों नहीं चलाते हैं? रोज क्यों नहीं चलाते हैं? रोज क्यों नहीं चलाते हैं? और कूलिंग कम हो जाएगी। आप एक बात सोचिए, जिस स्पीड से कंप्रेसर हवा फेंकता है उस स्पीड से अगर आप यहाँ की हवा को बाहर फेंकेंगे तो ये रूम को कूल कर पाएगा? आपको लगता है, लेकिन आप खुद बताइए ना, कर पाएगा? हाँ, अगर आपके कमरे में, आप छोड़िए कंप्रेसर को छोड़ दीजिए, आपके कमरे में एक एसी लगा हुआ, आपने यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन काट के, दीवार को काट के एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, ठंडा होगा? सर वो अंदर गर्मी बाहर चली जाएगी, उससे ठंडा होगा। हाँ, जो अंदर गर्मी है वो निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। कहाँ गर्मी? आप सोचिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। आप गाड़ी में क्यों नहीं चलाते फिर? आप अगले 7 दिन इस मोड में गाड़ी चलाइए और आप फिर मुझे बताइए कि गाड़ी का अंदर ठंडा हो रहा है और आपका पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया कि घट गया? ये आपके सामने बैठे हुए ना गाड़ी के सर्विस सेंटर वाले, आप पूछिए इनसे ये क्यों नहीं चलाते। आप अगले 7 दिन चलाइए, आप खिड़की खोल के एसी चलाएंगे? फिर एसी का एक ही मतलब, एसी तभी काम कर सकता है जब अंदर की हवा बंद। आप खिड़की खोल के एसी चला सकते हैं? आपकी एसी इफेक्टिव होंगी? आप अगर खिड़की खोल के एसी चलाएंगे बिजली का खर्चा ज्यादा आएगा, या खिड़की बंद करके एसी चलाएंगे तो बिजली का खर्चा ज्यादा आएगा? हाँ, तो इसका मतलब क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो अगर आप बंद कर देंगे इसका मतलब आपके कमरे की हवा को ही घुमा रहे हैं ना कोई हवा, और जो बाहर की हवा जो निकलती है ना वो इसके अंदर एक कंप्रेसर है और कंप्रेसर के आगे एक फैन है, वो कंप्रेसर को ठंडा करता है। वो फैन जो है वो कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए दिया गया है, अंदर की हवा को बाहर करने के लिए नहीं, वो कंप्रेसर को ठंडा करता है। वो आपके गाड़ी में भी है, ठीक है। अब आप ये बताइए, एसी के अंदर आप कह रहे हैं ना एसी में प्यूरिफायर होते हैं, होते हैं? हाँ, एसी में क्या लगा? प्लाज्मा लगा हुआ है, प्लाज्मा फिल्टर लग के आ रहा है। उसने कहा प्लाज्मा फिल्टर लगा हुआ था आजकल, तो मैं वो क्या काम करता है? प्लाज्मा वो जो है अंदर जो प्रेशर आता है, जो मॉडल में होते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी वगैरह होती है। अगर अगर मेरे बाल अमिताभ बच्चन जैसे हो तो मैं अमिताभ बच्चन हो जाऊँगा? तो प्यूरिफायर के नाम से अगर कुछ किसी ने बोल दिया
एसी बेचते वक्त उसको ज्यादा पैसे कमाना है, तो उसने बोल दिया कि मेरे प्योरीफायर में ये है, क्या उन्होंने चेक करने की कोशिश करी कि इसमें एक्चुअली क्या है जो प्योरीफायर कर रहा है? एसी के अंदर सिर्फ एक जाली होता है, देखा ना आपने, जिसको आप 15 दिन में एक बार साफ करते हैं, उस क्या जाली होता है? आपके पास भी तो प्योरीफायर है ना घर पे, जो बाहर की तरफ की जाली है उसी के जैसा एक जाली होता है एसी के अंदर, वो कितनी पोल्यूशन निकाल पाएगा, कितनी प्योरिफिकेशन कर पाएगा? और सबसे जरूरी बात, वो जाली प्योरीफायर के लिए नहीं होता है, वो जाली एसी को बचाने के लिए होता है। ये आप अगर खोलेंगे, इसके अंदर एक ग्रिड होता है ना, इवापोरेटर बोलते हैं उसको, उसके अगर बीच में से धूल मिट्टी चली जाएगी तो वो इवापोरेटर खराब हो जाएगा, एसी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आप अगर आप एक काम करिए, मैं आपको एक बताता हूँ, आप ये सामने आपके बैठे हुए ना, आप गाड़ी को एकदम हापुड़ और वो वाले रोड पे चलाइए जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत है, हापुड़ अलीगढ़ वाले रोड पे रोज चलाइए, दिन में 80 किलोमीटर आपके रेडिएटर और एसी का फैन इफेक्टिव रहेगा? नहीं सर, चौक हो जाएगा, कंडेंसर चौक हो जाएगा, एयर भी प्रॉपर नहीं आ पाएगी। वो जाली क्यों दिया होता है? जाली इसलिए दिया होता है ताकि धूल मिट्टी इवापोरेटर के अंदर ना जाए। आप अगर गाड़ी को अपने रोज धूल मिट्टी में चलाएंगे तो आपका वो जो रेडिएटर का जो ग्रिड है वो चोक हो जाएगा, और वो चोक हो जाएगा तो आपका फैन का कंप्रेसर खराब हो जाएगा, फैन मोटर खराब हो जाएगा। आपने देखा है ना ट्रक के अंदर पहले वो कपड़े लगाते हैं, हाँ क्यों लगाते हैं? ठीक है ना, तो वही होता है, उसको आप प्योरीफायर कहेंगे? कहने को कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन हमें पूछना है ना कि आपको लगता है कि उसके अंदर प्योरीफायर है? कौन सा चीज प्योरीफाई करता है, कितनी प्योरीफायर करता है, ये पूछेंगे ना? आप जब प्योरीफायर खरीद रहे हैं तो आप ये तो पूछ रहे हैं ना कि क्या काम कर रहे हैं, तो जब आप एसी खरीद रहे हैं प्योरीफायर के नाम से तो आपको ये पूछना चाहिए ना कि कौन सा प्योरीफायर करता है, क्या क्या प्योरीफाई करता है, कितनी हद तक प्योरीफाई करता है। फैन फॉलोइंग भी बिक जाता है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, वो जो दुकानदार है ना वो सोच रहा है कि मेरे को 2000 रुपए ज्यादा कमाना है इनसे। हाँ, वो ब्रांड ने भी ऐसा कुछ हवा बना रखा है, जो एसी बनाते हैं प्योरीफायर, उन्होंने ऐसा हवा बना रखा है कि एसी का तो आजकल बहुत कंपटीशन है, मैं अगर प्योरीफायर करके बोल दूंगा तो मेरे को 2000 रुपए ज़्यादा कमा लूँगा, वैसे मैं 500 रुपए कमाता हूँ, प्योरीफायर बोल दूंगा तो मैं 2000 और कमा लूँगा, इस चक्कर में वो खरीद के ले जाएंगे, उसके अंदर क्या है वो तो देख नहीं रहे, उनको तो चाहिए एसी, लेकिन उनके एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो गया कि मैंने एसी के साथ प्योरीफायर ले लिया। अब हर कोई बोल रहा है कि प्योरीफायर लेना चाहिए, पोल्यूशन है, तो मैंने एसी के साथ ही ले लिया। क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, पता आपको? आपने भी नहीं पूछा, उन्होंने भी खरीदते वक्त नहीं पूछा। आप अगली बार जब एसी खरीदने जाए तो जब सेल्स वाला लड़का जो है वो आपसे बोले कि इसके अंदर प्योरीफायर है, तो उससे पूछना ये क्या प्योरीफाई करता है, कैसे करता है, कितना करता है, ये तीन सवाल पूछना, क्या क्या प्योरीफाई करता है, कैसे करता है, कितना करता है। प्योरीफायर में चाहिए ना आपको ये तीन चीजें, आप तभी तो कोई प्योरीफायर खरीदेंगे ना, जब ये तीन चीज आप सेटिस्फाई करेंगे, कैसे करता है, कितना करता है, क्या था, क्या क्या करता है, क्या क्या करता है, कैसे करता है, कितना करता है, राइट? ये क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बताता हूँ, राइट? हम लोग जब कोई सामान अपने लिए खरीदते हैं, तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्टेप्स, प्रोसेस का मतलब स्टेप्स, कैसे खरीदते हैं, क्या स्टेप 1 2 3 4
क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं जब हम अपने लिए कुछ सामान खरीदते हैं, आप बता पाएंगे? अच्छा, आप ऐसा बताइए, आपने आप में से किसी ने कोई 10,000 से महंगा कोई सामान खरीदा है क्या? मोबाइल फोन लिया आपने? लिया आपने? लिया मोबाइल फोन? हाँ, तो जब आपने मोबाइल फोन खरीदा तो आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए आप बताएंगे? सबसे पहले ये मिटा दो, सबसे पहला स्टेप क्या था? नहीं नहीं नहीं, आपने खरीदा या उन्होंने खरीदा? आपने भी खरीदा, तो आप जवाब देंगे क्या? हेलो, आप बताइए। अच्छा, आप दोनों मिलके बताइए। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि कौन सी कंपनी का लेना। आपने ये डिसाइड किया कौन से कंपनी का लेना है? नहीं, उससे पहले तो आपने ये डिसाइड किया ना कि फोन लेना है। स्टेप्स मैंने बोला ना, स्टेप्स पहले तो ये डिसाइड किया ना कि आपको फोन लेना है। आपके पास फोन थे इससे पहले? फोन थे? हाँ थे ना, थे। आपको दूसरे लेने थे? हाँ, क्यों लेने थे दूसरे? हाँ, क्यों जरूरत? नहीं, आपके पास थे ना फोन, तो आपने कहा फोन थे ऑलरेडी। खरीदने से पहले बेचा, खरीदने के बाद बेचा? खरीदने से पहले बेचा। आपने सिंपल आंसर भाई, अपग्रेडेशन किया आपने। सर मैंने लिया, एक मिनट, एक उनसे ही पूछता हूँ। आप सिमिलरिटी पाएंगे। अभी अभी स्टेप्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई अपने लिए सामान खरीदते हैं तो क्या सबसे पहले आपको जरूरत महसूस हुआ ना कि मुझे फोन लेना है? तो मेरा जो फोन था वो मेरे दोस्तों के सामने मेरे को शर्म आ रहा था उस फोन को निकालने में, तो मुझे दूसरा फोन चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो मुझे जो मेरे पास जो फोन है उसमें हैंग कर रहा था, उसमें जो है ठीक से जल्दी जा नहीं रहा था, बातचीत ठीक से हो नहीं रही थी, फोन पुराना हो गया था, मुझे शर्म आ रहा था, तो मुझे दूसरा फोन लेना है, राइट? हाँ, राइट। तो इसका मतलब स्टेप वन नीड, जरूरत महसूस हुआ, जरूरत किसी भी वजह से महसूस हो सकता है, राइट। फिर आपने क्या किया? फिर ब्रांड क्यों देखते हैं मालूम? ब्रांड क्यों देखते हैं लोग, पता है? क्वालिटी आपको समझ में आता है? आप बताइए मी और ओप्पो में क्या क्वालिटी डिफरेंस है? आप खुद देखिए, ये कंज्यूमर माइंडसेट है, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ये हमें भी जानना है। हम तो एज ए परचेजर समझ रहे हैं ना, अब थोड़ी देर के बाद मैं उसको उल्टा कर दूंगा, जब एज ए सेलर, हम परचेजर भी है हम सेलर भी है कि नहीं? इस कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं हम खुद अपने लिए परचेज भी करते हैं, हम आगे किसी को रेकमेंड भी करते हैं, है कि नहीं? तो मैं थोड़ी देर के बाद उल्टा करूंगा, लेकिन उल्टा करने से पहले मैं समझना चाहता हूं कि हम लोग जब अपने लिए एक सामान खरीदते हैं तो क्या सोचते हैं। तो जब हम उल्टे बैठेंगे, उल्टे साइड में बैठेंगे, तो क्या हम उस चीज को फॉलो करते हैं? आप बताइए। नीड आपका क्रिएट हुआ, फिर आपने क्या देखा? हाँ, बजट तो ठीक है, फिर आपने ऑप्शंस देखे कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है,
अच्छा, जैसे आपने ब्रांड के बारे में बताया तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा याद है, तो मैं शेयर करता हूँ। आज आदमी जो है, जो चीज़ खरीदते हैं हम लोग, दो वजह से खरीदते हैं। दो वजह होते हैं, एक तो होता है रिक्वायरमेंट अपनी, जैसे कपड़ा पहनते हैं, एक बेसिक नेसेसिटी है कि मुझे कपड़ा पहनना है, राइट। एक होता है बेसिक नेसेसिटी, उसको बोलते हैं सगुन, या आप ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव नीड, सगुन। एक होता है निर्गुण, जो होता है सब्जेक्टिव नीड, राइट। ऑब्जेक्टिव नीड को आप मेजर कर सकते हैं कि मुझे दो कपड़े चाहिए या मुझे चार कपड़े चाहिए, यह है ऑब्जेक्टिव नीड कि मुझे चार कपड़े चाहिए। लेकिन एक होता है सब्जेक्टिव नीड, जिसको निर्गुण बोलते हैं, हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द है उसके लिए, उसको बोलते हैं औकात। आपके चार कपड़े से काम हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे कबर्ड भर के कपड़े चाहिए, वो होता है औकात। एक है ऑब्जेक्टिव नीड, एक होता है सब्जेक्टिव नीड। आप जैसे बोल रहे हैं ना कि मेरे को मोबाइल मेरा पुराना हो चुका है, मुझे मोबाइल में ब्रांड देखना है, तो आपको ब्रांड किस लिए देखना है कि मेरे दोस्तों के पास, किसी के पास इंटेक्स है, किसी के पास कोई फोन है, तो मेरे पास ओप्पो होना चाहिए जिसका एड दीपिका पादुकोण देते, या मेरे पास ऐसा फोन होना चाहिए जिसका एड रणवीर सिंह देता, तो आपका औकात बढ़ेगा उसमें ना। तो एक होता है ऑब्जेक्टिव नीड कि मुझे फोन चाहिए मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक होता है सब्जेक्टिव नीड जो मेरा औकात बढ़ाता है, मेरा वैल्यू बढ़ाता है सोसाइटी में। दो चीज़ों के वजह से आज खरीदते हैं हम लोग कपड़े, चाहे कुछ भी हो, राइट। आप जब गाड़ी खरीदते हैं, एक आदमी अभी नया गाड़ी खरीद के लेके आए, हाँ, एक बाइक खरीद के लेके आए एक आदमी आपके यहीं पे, हाँ, क्यों खरीदा, साइकिल क्यों नहीं खरीदा, कितने का खरीदा, 58, 40,000 से शुरू होता है ना ऐसे बाइक्स, हाँ, क्यों नहीं खरीदा, हाँ, नहीं, ये वो तो ठीक है, एक आपकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्या है कि इसमें स्टाइल है, 40,000 वाले में इतना स्टाइल नहीं दे पाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, टाटा नैनो, टाटा नैनो बंद हो चुका है, क्यों, 40-50,000 रुपए और डाल के टाटा नैनो क्यों नहीं खरीदा। आज बाइक जो है 80-90,000 के बाइक्स आते हैं, 1,25,000 रुपए में टाटा नैनो मिलता है एंट्री लेवल। कुछ लोग तो इनफील्ड बुलेट खरीदते हैं। यहाँ पे बाहर जो है, जितने मैंने बाइक्स देखे, कम से कम 4-5 बाइक्स ऐसे थे जो 1.5 लाख रुपए से महंगे थे, है कि नहीं। टाटा नैनो क्यों नहीं खरीदा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है औकात कि मेरा जो टाटा नैनो मेरा औकात नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसमें उनको प्रमोट ही किया जा रहा है गाड़ी। अब देखिए 1.5 लाख रुपए में और भी गाड़ी आती है, मारुति की ऑल्टो जो है 1.5 लाख रुपए, 160 या 170 की है, लेकिन वो प्रमोट नहीं किया जाता है कि गरीबों की गाड़ी है, वो औकात नहीं बढ़ाता है ना। अब 1.5 लाख रुपए के बाइक खरीद लेंगे, लेकिन 1.25 लाख रुपए की टाटा नैनो नहीं। आप समझ रहे कंज्यूमर माइंडसेट। तो ये है नीड, नीड दो तरीके की, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव। हम हमेशा कोशिश देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव नीड को फुलफिल करें, लेकिन सब्जेक्टिव नीड एक बहुत बड़ा मात्रा में आ गया है। कोई भी चीज़ लोग खरीदते हैं, सबसे पहले फेसबुक पे अपलोड करते हैं, यस सर, राइट, यस सर। फॉरेन हॉलीडेज में जाते हैं तो फेसबुक में अपलोड करते हैं, किस लिए। फिर आप ऑप्शंस देखते हैं, फिर आप डाउट हैंडल करते हैं कि मेरा ये वाला चीज काम करेगा कि नहीं करेगा, राइट, यस। फिर आप क्या करते हैं, फिर आपने क्या किया, आपने देखा प्रोडक्ट, जाके दुकान पे जाके प्रोडक्ट देखा, प्रेजेंटेशन, सॉरी,
अब आप ये देख के बताइए, जब हम चीज कोई खरीदते हैं अपने लिए तो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हाँ यस सर, करते हैं। इसी में वो सारा आता है, सब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मेरा डिमांड है, एक मेरा कुछ फुलफिल हो रहा है कि नहीं, मेरे पड़ोसी के पास क्या है, बच्चों की डिमांड क्या है, कैसे है, सारा कुछ देख के हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं यही चीज़ फॉलो करते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब हम दूसरे साइड में होते हैं, कुर्सी के दूसरे साइड में, जब हम कोई चीज़ कंसल्ट करते हैं, किसी चीज़ को देने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये स्टेप्स फॉलो करते हैं? आप अपने आप से पूछिए। उस समय सब पीवी चाहिए होगा। लेकिन अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे आप, बाकी तो सारे प्रोडक्ट जो लगे हुए हैं वो बेच सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं ना वो नहीं बेच पाएंगे। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है और आपको तरक्की पानी है, तो ये स्टेप्स 1000 रुपए के प्रोडक्ट के लिए भी फॉलो करिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। राइस ब्रांड ऑयल, फुट पैच, हाँ, वो ज़्यादा बिकता है या आपके जो साबुन, तेल, शैम्पू ज़्यादा बिकता है? क्यों फुट पैच और राइस ब्रांड ऑयल अच्छा प्रोडक्ट नहीं है? फुट पैच से बेहतर और कोई प्रोडक्ट है नहीं मेरे ख्याल से आपके उस रेंज में, हाँ। लेकिन फुट पैच जब तक ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक फुट पैच नहीं बिकेगा। आप एक बेच देंगे, लेकिन अगर कोई आप अगर चाहते हैं किसी घर में पूरे साल यूज हो और हर कोई यूज करे, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है कि नहीं करना है? तो जो भी कॉन्सेप्ट वाला प्रोडक्ट है जिसमें भी एक मेरे को वैल्यू नहीं दिख रहा है ना, ठीक है काला पड़ जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियो है जो ये कहता है कि ये जो काला पड़ता है ये पसीने से काला पड़ जाता है, तो आप भरोसा कैसे दिलाएंगे? कैसे उनको समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, तो ये स्टेप्स फॉलो करना है। तो ये स्टेप्स फॉलो करे बगैर ये बेनिफिट्स तो समझ में ही नहीं आएगा। आप अगर कुछ सोचिए कि मेरे पास एयर प्योरीफायर है, बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है, लेकिन आपको क्यों लेना है? आप अगर कैटलॉग दिखाते हैं या प्रोडक्ट दिखाते हैं तो आप सीधे यहाँ पे आ गए ना। आप अगर किसी के सामने बैठे हैं प्रोडक्ट लेके या कैटलॉग लेके, तो आप इस स्टेप पे आ गए। आपने नीड नहीं क्रिएट किया, उनको ऑप्शंस नहीं दिए, आप सीधे यहाँ पे, तो उनको तो ये सब ऑब्जेक्शंस लगेंगे ही ना, महंगा भी लगेगा, क्यों खरीदूं, इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि उनको नीड क्रिएट नहीं हुआ ना, राइट? अब मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, नीड कैसे क्रिएट करना। नेक्स्ट हाफ एन आवर इस प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करें। इसको मिटा दो। मैं आप लोगों से कुछ सिंपल सा क्वेश्चंस पूछता हूं। आप लोगों में से कितनों को लगता है कि पिछले 1-2 साल में बीमारी में बढ़ोतरी हुई है? बीमारी में बढ़ोतरी हुई है, हाँ, उसके वजह से डॉक्टर्स के विजिट भी बढ़े हैं, दवाइयाँ भी बढ़ी हैं, मेडिकेशन बढ़ा है, हाँ, आप एक बात बताइए, एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो आज दिल्ली में मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी नहीं है जिनको एयर पोल्यूशन के बारे में नहीं पता, लेकिन क्या आप एयर पोल्यूशन को देख पाते हैं? आप सिर्फ पढ़ते हैं, आप सिर्फ एयर पोल्यूशन के बारे में सुनते हैं,
क्या एयर पोल्यूशन को आप देख पाते हैं? हाँ, एयर पोल्यूशन को चूंकि देख नहीं पाते, वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, क्या आप उसको भरोसा करेंगे? हाँ, आपने सुना है, आपने देखा है, आपने सुना है, आपने पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है, राइट? लेकिन ये जो तीन चीजें हैं, हाँ, ये आपके एक्सपीरियंस में है, राइट? अब दोनों में डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए। एयर पोल्यूशन जिसके बारे में आपने सुना है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है। चूंकि आपने देखा नहीं है, जब तक अपना कोई चीज सामने आता है तो आप उस चीज को भरोसा नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग में गया था, वो बिल्डिंग करीब 11 माले की बिल्डिंग है, हम लोग 9वें माले में बैठे हुए थे। उस पे एक अलार्म बजा कि दिस बिल्डिंग इज ऑन फायर। करीब 2:30 बज रहे थे, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, करीब 12-13 लोग, 9वीं मंजिल में 11 मंजिल की बिल्डिंग है। उसमें अलार्म बजा के दिस बिल्डिंग इज ऑन फायर, प्लीज इवैक्यूएट। ठीक है ना, मैं आपको रिएक्शन देता हूं। किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, सब लोग जैसे बैठे हुए थे वैसे ही बैठे। फिर 5 मिनट के बाद फिर आया, दिस बिल्डिंग इज ऑन फायर, प्लीज इवैक्यूएट। फिर भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने बस पूछा, मैं भी था वहां पे, तो मैंने पूछा कि ये कोई डमी ड्रिल है कि एक्चुअल है? तब लोगों को एहसास हुआ कि चलो पता करते हैं कि डमी है कि एक्चुअल है। इससे ये क्या समझ में आता है? देखा नहीं। जब तक ना आप खुद आंखों से कोई चीज को देखते हो, तब तक आपकी बॉडी, आपका जो माइंड है, वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे आके कोई बाहर से बोल दे आग लगी है भागो, तो जितनी तेजी से आप भागेंगे या आपने आग देखने के बाद कितनी तेजी से भागेंगे, उसमें डिफरेंस होगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपने एयर पोल्यूशन के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है। जब तक ना आप देखते हैं, तब तक कोई एक्शन नहीं ले। लेकिन आप ये देखिए, बीमारी के बारे में आपने देखा है, बीमारी बढ़ी है, ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर के पास भागना पड़ रहा है, ये आपके सामने हो रहा है। दवाई आपको खरीदना पड़ रहा है, ये आपके सामने है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप नीड क्रिएट करेंगे, पॉल्यूशन को लेके नीड मत क्रिएट करें, डिजीज को लेके नीड क्रिएट करें जो आपके एक्सपीरियंस में है। मैं समझा पाया? Yes. क्लियर है, राइट? Yes. ये क्लियर है। अब मैं आपको कुछ ट्रिगर्स देता हूँ, राइट? अब जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में पालतू कुत्ते हैं? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप रोज सुबह उनको बाहर ले जाते हैं? ले जाते हैं, राइट? आप जूते पहन के जाते हैं, वो नंगे पैर जाते हैं, वापस आने के बाद आप जूते बाहर निकाल के घर के अंदर आते हैं, हाँ? जो पालतू जानवर है वो क्या करता है? हाँ? आप करते होंगे, बाकी जो भी है आपके पास वो प्रिविलेज है आंगन की। लेकिन कितनी, ये दिल्ली में अगर ये सवाल पूछेंगे लोगों से, आता है ना, तो वो क्या क्या चीजें लेके आता है? आप तो देख देख के चलते हैं, लेकिन जो वो पालतू जानवर है, क्या वो देख देख के चलते हैं? तो वो लेके अंदर आ रहे हैं, राइट? एक और चीज बताता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, 6 महीने, साल भर, 1-2 साल के? जब एक बेबी पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले क्या चीज अंदर जाती है?
आप जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या क्या चीजें आप खरीदते हैं उनकी तैयारी करने के लिए? लिस्ट बनाते हैं क्या क्या बताइए तो? सोप, क्लोथ, सोप, शैम्पू, ऑयल और पाउडर वगैरह सब इसमें आ गया। टॉवल क्लोथ में आ गया, टॉवल और टॉयज और वो झूला झूला हगीज हगीज डायपर्स जी सर फूड फूड नहीं सर। अच्छा आप एक बात बताइए, ये हो सकता है 3 दिन के बाद, ये हो सकता है 2 घंटे के बाद, ये हो सकता है 2 साल के बाद, या चलिए 8 महीने के बाद। झूला हो सकता है 2 महीने के बाद, डायपर्स होता है 2 दिन के बाद, फूड होता है लगभग 4 महीने के बाद, बाकी घर पे पेंट कर दिया करते हैं ना, बेड बेड को बना दिया कर दिया जो सबसे पहले पहले सेकंड फर्स्ट सेकंड वो क्या क्वालिटी जा रही है। और ये आप इंश्योर करते हैं ना बेस्ट क्वालिटी का हो, करते हैं ना इंश्योर के बेस्ट क्वालिटी, जब जो चीज पहले सेकंड उसकी क्वालिटी क्यों नहीं इंश्योर करते? वो कैसे पता वो क्या जा रहा है? राइट मैं बस कुछ ट्रिगर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मतलब जो आप भी मतलब किसी डिस्कशन में आप भी यूज कर सकते हैं। राइट तो आपको समझ में आ रहा है कि नीड कैसे क्रिएट करना है? हल्का सा यस हाँ। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। आप लोगों को फ्री रेडिकल्स के बारे में मालूम है? सबको मालूम है क्या होता है फ्री रेडिकल्स? क्या होता है? बाहर से टॉक्सिन्स क्यों आते हैं? मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ। क्यों आते हैं? एयर यही कर रहे हैं उसके साथ। सिर्फ एयर? एयर, फूड, पानी को भी। क्या क्या चीजें लेते हैं बाहर से? एयर, वाटर, फूड, फास्ट फूड, फूड। ये 3 चीजें हम बाहर से आती हैं। फिर क्या होता है बॉडी के अंदर? फिर क्या होता है बॉडी के अंदर? क्या है? सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल। ये जैसे सेल है तो सेल को क्या चाहिए? सेल को क्या देते हैं? आपने ये 3 तो शरीर के अंदर दिया, फिर सेल में क्या जाता है? सेल में क्या जाता है? वाटर, ऑक्सीजन जाता है सेल में और सेल में ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज जाता है ना। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? एयर। कहाँ जाता है? लंग्स में जाने के बाद क्या होता है? लंग्स से फिल्टर होकर ऑक्सीजन निकाल देते हैं, फिर ऑक्सीजन ब्लड्स के जरिए सेल तक पहुंचता है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? फूड से, खाने से। खाना फूड कहाँ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फूड एब्जॉर्ब होता है, जो एब्जॉर्ब होता है वो ग्लूकोज ब्लड के जरिए सेल। ये प्रोसेस है राइट। अब ये जो एयर, वाटर और फूड है, क्या ये प्योर है?
पोल्यूटेड है तो इसके साथ टॉक्सिन्स भी जाएगी। टॉक्सिन्स हवा में भी है, वाटर में भी है, फूड में भी है ना, तीनों चीज में है। फूड और वाटर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? वाटर प्यूरिफायर लगा दिया आपने और फूड को साफ करके खाते हैं। लेकिन फूड जब इतना हम पकाते हैं, जिस तरीके से हम पकाते हैं, उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए आप सप्लीमेंट लेते हैं, राइट? और वाटर के अंदर मिनरल्स नहीं होते, इसलिए अंदर बहुत सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये आप पूरे टॉक्सिन्स को रोक पाते हैं? फिर भी टॉक्सिन्स जाता है। उस टॉक्सिन को रोकने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, जो कि फूड और वाटर के टॉक्सिन्स के लिए सफिशियंट होता है। लेकिन एयर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसका, फिर ये जो टॉक्सिन्स जाता है इसके अंदर जाके क्या करता है? सेल के अंदर जाके टॉक्सिन क्या करता है? कैसे डैमेज करता है? सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर डीएनए होता है। डीएनए में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो टॉक्सिन्स इलेक्ट्रॉन को डैमेज करता है। जब इलेक्ट्रॉन को डैमेज करता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, राइट? राइट। तो फ्री रेडिकल्स जो है ये टॉक्सिन्स जाके इलेक्ट्रॉन को डैमेज करता है। उस इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। मैं आपको समझा पाया? यस। और फ्री रेडिकल्स के वजह से बीमारी होती है, हाँ? Yes. जितना फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा बीमारी होंगी, हाँ? अब आप ये बताइए कि आजकल किस तरीके की बीमारी होती है कॉमन? फीवर और अस्थमा, सर्दी, जुकाम, खांसी, जुकाम, कफ, और क्या होता है? एलर्जी होती है और स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन इरिटेशन, वेरी गुड, ब्रेथलेसनेस और टीबी वगैरह से होता है। अच्छा, आपको ये मालूम है कि सिम्टम और डिजीज का डिफरेंस मालूम है? राइट, वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि ये जो है सिम्टम्स है या डिजीज है? बीमारी है। आप कोई डिजीज का नाम लीजिए। फीवर है। नहीं, फीवर डिजीज नहीं है। टीबी इज अ डिजीज। कैंसर। हार्ट अटैक डिजीज है। कैंसर। कैंसर डिजीज है। ये सब डिजीज है, ये लेकिन सिम्टम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग गाड़ी चलाते हैं? अब गाड़ी में आप पेट्रोल या डीजल डालते हैं। आप पेट्रोल के साथ मिट्टी का तेल डालेंगे तो क्या होगा? इंजन खराब हो जाएगी। ये डिजीज है या सिम्टम है? ये डिजीज है। इंजन लास्ट में जाके खराब होगा, लेकिन इमीडिएट क्या होगा? जैसे गाड़ी के अंदर मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया तो सिम्टम क्या देगा गाड़ी? नॉक करेगा। आप सोचिए, अब नॉक करेगा, गाड़ी में धुआं निकलेगा, आवाज सही नहीं आएगी। आप नई गाड़ी लेके आए हो, मिट्टी का तेल डाल देते हो, स्मोक ज्यादा आएगा, नॉक करेगा, हाँ, ठीक है, फिर पिकअप नहीं लेगी, माइलेज सही नहीं आएगा, बार बार बंद हो जाएगा, ये सिम्टम है। इंजन खराब हो जाएगा वो डिजीज। मैं आपको समझा पाया? सिम्टम क्या है, डिजीज क्या है? सिम्टम जो है जो बाहर निकलते हैं, बाहर हमें दिखाई देते हैं, जो शरीर कहने की कोशिश कर रहा है कि अब सावधान हो जाओ, नहीं तो। अब जैसे आपने एक दिन मिट्टी का तेल डाल दिया गलती से तो सिम्टम आया,
आपने अगले दिन जो है ठीक ठाक डाल दिया तो सिम्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सिम्टम देते रहे, आप मिट्टी का तेल डालते रहे, सिम्टम इग्नोर करते रहे, तो क्या होगा? आप ये सिम्टम इग्नोर करते रहे, मिट्टी का तेल डालते रहे, तो ये इंजन का क्या होगा? सोचिए थोड़ा, सिम्टम को इग्नोर करते रहे, मिट्टी का तेल डालते रहे, ये क्या है? टॉक्सिन्स क्या है शरीर के लिए? मिट्टी का तेल डालते रहे तो क्या होगा? सिम्टम आएंगे। आप गाड़ी के लिए तो कॉन्शियस है, अपने शरीर के लिए क्यों नहीं? गाड़ी में आप मिट्टी का तेल नहीं डालते हो ना, आप शरीर में क्यों डाल रहे हैं? चूंकि आप कॉन्शियस नहीं, आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये सिम्टम है। आप ये खुद सोचिए कि एस्थमा क्या पहले दिन आता है, क्या धीरे धीरे सिम्टम खराब होते होते एस्थमा पहुंचता है? आप अगर एलर्जी के स्टेज में उसको रोक दो, उसको कम करने की कोशिश करो, तो एस्थमा होगा? सिंपल, एस्थमा तो उन लोगों को होता है जो 2-3 साल तक इग्नोर करते रहे सिम्टम्स। सर्दी, खांसी, वीजिंग बहुत कॉमन है आजकल। वीजिंग जब बच्चे सांस लेते हैं आवाज आती है, बहुत कॉमन है, तो ये सिम्टम है ना। आप जितने ये सिम्टम्स इग्नोर करते रहेंगे उतना ही, लेकिन अगर आपने सिम्टम्स के ऊपर एक्शन लिया तो सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे ना। अगर आपने ये टॉक्सिन्स कम कर दिए तो फ्री रेडिकल्स बनना कम होगा। और सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स कहाँ से आता है? आप खाना कितनी खाते हैं, पानी कितनी पीते हैं और हवा कितनी लेते हैं? आप 24 घंटे सांस लेते हैं, हर सांस में करीब 400 मिलीलीटर हवा शरीर के अंदर जाती है। दिन में 11,000 लीटर हवा शरीर के अंदर जाती है। और आपने पढ़ा हुआ है कि टॉक्सिन्स हवा के अंदर है और शरीर जो है सिम्टम्स भी दे रहा है। अब आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? अब जो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है? किस किस वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है? ये मिटा दो आप। किस वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है? मेजर वजह क्या है दिल्ली में? मेजर किस वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है? व्हीकल, वेरी गुड, व्हीकल और केमिकल कंस्ट्रक्शन, ये दो मेजर वजह है ना दिल्ली में जिस वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगले 2 साल में ये दोनों चीजें कम होंगी क्या बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। तो शरीर के अंदर मिट्टी का तेल ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? सिम्टम्स ज्यादा होंगे कि कम होंगे? तो अभी ये शरीर के अंदर पैरम्बुलेटर ले लिया, सब कुछ खरीदारी कर ली, उनसे जाके आप पूछिए कि सबसे पहली चीज आपके बच्चे क्या लेंगे, माँ के दूध से भी पहले उसका आपने कुछ इंतजाम किया? यह है ट्रिगर, यह है वजह। आपने समझाया, आपने ये समझाया, लेकिन एक कंपल्सिव रीजन बोलते हैं ना, कंपल्सिव रीजन, एक ऐसा वजह होना चाहिए जिसके वजह से हिला दे कि हाँ मैं अब 20,000 जेब से निकालूंगा, ये वो है। मतलब आपने समझाया, लेकिन ये एक कंपल्सिव रीजन है कि अब मैं जेब से पैसे निकाल के प्रोडक्ट खरीदूंगा। मतलब पूरी तरीके से नीड क्रिएट किया, वजह दिया मैंने कि हाँ, बहुत सारे ऐसी वजह है लेने का, लेकिन एक ऐसी वजह है जिसको मैं ठुकरा नहीं सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, इग्नोर नहीं कर सकता, नॉन नेगोशिएबल। जी सर, इस चीज के लिए मैं नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा। घर को पेंट करने के लिए मैंने 10,000 रुपए लगा दिया, 6,000 रुपए लगा दिए, पैरम्बुलेटर टोटल आप मिला देंगे तो करीब 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं प्रिपरेशन में। 18,500 क्या चीज है?
लेकिन एक वजह होना चाहिए। अब आपको महंगा लग रहा है? हाँ, मैं बताऊंगा कि कंपटीशन भी तो वही वजह दे सकता है, राइट? ठीक है, मैंने आपको नीड क्रिएट कर पाया, यस, राइट? सो बी नाउ, अब मैंने आपसे लास्ट में क्या पूछा था, क्या आप बीमारी को कम करना चाहेंगे, क्या आप डॉक्टर्स विजिट कम करना चाहेंगे, क्या आप मेडिकेशन कम करना चाहेंगे, राइट? अब मैं आपको ऑप्शंस दूंगा कि आप कैसे कम कर सकते हैं, राइट? अगर आप फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम कर सके तो बीमारी में कमी आएगी। सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई सिगरेट पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं। सपोज कोई 10 सिगरेट पीते हो दिन में और अगले दिन आप 5 सिगरेट पिए, तो अगले दिन नुकसान कम होगा? हाँ मैडम, आपका आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये वाला। आप 10 सिगरेट पीते हो कोई, आप अगले दिन 5 सिगरेट पी रहे, नुकसान कम होगा? हाँ यस। आप प्यूरिफायर लगाने से पहले आपके शरीर में जितनी मिट्टी का तेल जा रहा है, प्यूरिफायर लगाने के बाद उससे कम जाएगा? अगर कम जाएगा तो बीमारी में कमी आएगी। हाँ, अब सवाल ये है कि कितना कम जाएगा, ये कैसे पता कितना कम जाएगा? अब मेन सवाल आता है जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा, कितना करता है, क्या क्या करता है, कैसे करता है। अब तो आप ये कन्विंस्ड है कि जितनी टॉक्सिन्स शरीर के अंदर कम जाएगी उतनी बीमारी में कमी आएगी, ये क्लियर है? लेकिन कितनी कम जाएगी ये कैसे पता, इसकी क्या प्रूफ है कि कितनी कम जाएगी? अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो आपको आपको ये जवाब मिला मैडम, क्या प्यूरिफायर लगाने के बाद इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? शुद्ध हवा जाएगी, बिकॉज एटलीस्ट टॉक्सिन्स तो कम जाएंगे। आप टॉक्सिन्स को रोक पाएंगे? आप एक काम करिए, आपको लगता है कि जितनी पोल्यूशन में रहेंगे उतनी बीमारी कम होगी, एक काम करिए, आप अपनी गाड़ी में मिट्टी का तेल डालिए, वो इंजन और बेहतर होगा ना। अब आप सोचिए कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है, आप कौन से रूट से जाएंगे? कौन हाईवे? दो दो ऑप्शन है ना आपके पास, दिल्ली आगरा, आपके पास दो ऑप्शन है ना, एक मथुरा रोड, एक कौन सा लेंगे? आपकी गाड़ी के माइलेज के लिए, गाड़ी के हेल्थ के लिए कौन सा लेंगे? हाँ, एक्सप्रेस वे। तो आप अपने शरीर को ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं? आप अपनी गाड़ी को यहाँ से लेके जाते हो ताकि आपकी गाड़ी बेटर मेंटेन्ड हो, माइलेज बेहतर मिले, लेकिन ये आप अपने शरीर को यहाँ क्यों भेज रहे हैं? आदत नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है। अगेन, मैं गाड़ी को अपने शरीर से ज्यादा प्यार करता हूँ। मित नहीं, वो आजकल ऐसे ही हो गया। मैं आप किसी का मोबाइल गिरा दीजिए, ऐसा लगेगा जैसे उसका दिल को आपने काट दिया। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक औकात वाला, वो बहुत अहम हो गया आज के लिए, राइट? तो ये पॉइंट क्लियर है, राइट? अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। नाउ आपको प्यूरिफायर लेना है, आपको टॉक्सिन्स कम करने के लिए प्यूरिफायर लेना है, लेकिन प्यूरिफायर ए, प्यूरिफायर बी, प्यूरिफायर सी और शार, ये कैसे पता कौन सा प्रोडक्ट कितना टॉक्सिन कम करेगा? ये 8,000 रुपए का, ये 9,000 रुपए का, ये 10,000 रुपए का, ये 18,500 रुपए का।
आपको कैसे पता, कैसे आपको मालूम चले? तो महंगा आपका भी अच्छा होता था। महंगा अच्छा तभी होता है जब आपको ये पता लगे कि इस पैसे के बदले में मुझे क्या मिल रहा है। यस। आप आज की डेट में लोग पैसा देने के लिए कोई मतलब किसी को झिझक नहीं है। आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो धीरे धीरे जो है वो खरीदने आता है कुछ, लेके जाते हैं कुछ। आप कपड़ा खरीदने जाते हो कुछ, खरीदने जाते हो कुछ ले लेते हो, स्पेशली लेडीज। गहने कुछ लेने जाते हो कुछ ले लेते। हर एक चीज के साथ ऐसे ही है, अपग्रेड हो जाता है। बट तभी होता है जब कंपल्सिव रीजन, एक है कंपल्सिव रीजन और वैल्यू फॉर मनी, कि आप पैसे के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, मेरा औकात फुलफिल हो रहा है, मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, सबसे जरूरी बात मेरा औकात फुलफिल हो रहा है कि नहीं। मैं एक पेन रखता हूँ जिसके ऊपर मॉन्ट ब्लैंक है, तो लिखता वैसे ही है, 3.5 लाख रुपए का पेन है, क्या कर, लिखता वैसे ही है, लेकिन अगर जेब में होगा तो मेरा वो पैसा वो देते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि 2 रुपए में भी पेन आता है। तो 3.5 लाख रुपए दिया है, लेकिन वही है, लेकिन वो मेरा इज्जत बढ़ाता है, 2 रुपए वाला मेरा इज्जत। गॉट इट? तो अब क्या है कि ये कैसे पता लगेगा? अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन कई तरीके के होते हैं, राइट? एक जैसे नहीं है ना, हाँ? इसमें डस्ट है, गैसेस है, VOC है, इन्फेक्शन है, स्टैटिक चार्ज है, हाँ? ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें जो है टॉक्सिन्स कहलाया जाता है घर के अंदर, हाँ? अब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये सारी चीजें जब निकालेगी तभी तो आपका रिडक्शन हो पाएगा, हाँ? आपने कभी ये देखा कि 8,000 रुपए वाला क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है? 9,000 रुपए वाला क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है? हमारे पास YouTube में बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमने हर एक प्रोडक्ट को कंपेयर किया, जैसे हनीवेल, यूरेका फोक्स, सब ये 8,000-9,000-11,000 वाले प्रोडक्ट को हमने कंपेयर किया है अपने मॉडल के साथ। आउटराइटली बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है, फिल्टर की साइज छोटी। अब सोचिए ये वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको हर 6 महीने में आपको 3,000 रुपए का फिल्टर खरीदना है, और जो फिल्टर है उसका साइज भी हमारे फिल्टर से छोटा है, उसकी क्वालिटी भी, मतलब एयर फ्लो बहुत एक अहम पॉइंट होता है, एयर फ्लो, एयर प्रेशर कितनी तेज आपकी रूम को प्योरीफाई कर रहा है, वो भी आधा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल है हमारा, उसमें बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये कहा जाता है कि बाकी ब्रांड से हमारा प्रोडक्ट बेटर कैसे है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको ये बताता हूँ, 3 चीजें होते हैं, हेपा, कार्बन और हमारे में है प्लाज्मा क्लस्टर, ठीक है? Yes. प्लाज्मा क्लस्टर, हेपा, कार्बन, प्लाज्मा क्लस्टर। अब क्या है, डस्ट जो है हेपा करता है, गैसेस और VOC जो है, गैसेस जो है कार्बन फिल्टर कुछ हद तक करता है, प्लाज्मा क्लस्टर डिस्ट्रॉय करता है, इन्फेक्शन को ये दोनों कुछ नहीं कर पाएगा, ये करता है, स्टैटिक चार्ज को ये करता है। हमारा जो मॉडल है उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। 8,000 वाला, 9,000 वाला, 10,000 वाले में सिर्फ ये और ये है, तो आप कौन सा खरीदेंगे, राइट? अब मैं एक और पॉइंट पे आता हूँ, हेपा, ये वाला ब्रांड भी बोलता है हेपा है, ये वाला ब्रांड भी बोलता है हेपा है, हम लोग भी बोलते हैं हेपा है। आपको कैसे पता लगेगा कौन सा हेपा बेहतर है? हाँ, फोल्ड ज्यादा है, साइज बड़ा है,
एयर फ्लो ज़्यादा है। और सबसे ज़रूरी बात, ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन जो सिर्फ हेपा को टेस्ट करता है, ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन, हेपा को चेक करते हैं कि एस्थमा और एलर्जी के लिए हेपा की क्वालिटी कितनी बेहतर है। उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया हुआ है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको डब्बे के बाहर आपको ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन का सील मिलेगा। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट सबसे सूटेबल है एस्थमा और एलर्जी के लिए, राइट? यस, क्लियर है? कई लोग बोलते हैं प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, तो प्लाज्मा क्लस्टर को आप बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थ्री स्टेप्स। प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। हम नेचर को अपने घर में लेके आते हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, प्लाज्मा क्लस्टर इकलौती एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। एक्टिव का मतलब मशीन के बाहर निकल के काम करता है, मतलब बैक्टीरिया वायरस आपके बाहर है ना, वहां से चीजों को मारता है। आपने डेमो देखा हुआ है, जिन्होंने डेमो देखा है प्लाज्मा क्लस्टर का, आपने देखा होगा कि मशीन के बाहर चीजों को खत्म करता है। इकलौता एक्टिव टेक्नोलॉजी है दुनिया में, और किसी के पास एक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, सबके पास पैसिव टेक्नोलॉजी है। पैसिव का मतलब मशीन के अंदर निकाल, अंदर उसको खींच के एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हम लोग चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, राइट? तीसरा पॉइंट, प्लाज्मा क्लस्टर 28 ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है। जो भी हम क्लेम कर रहे हैं, हर एक चीज जो है सर्टिफाइड है। हमारे पास 28 सर्टिफिकेट है जो ये कहता है कि ABCD ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मोटी मोटी बात, आपको टॉक्सिन्स कम करनी है। टॉक्सिन्स ये है, आपने 8000 वाला लिया, आपने ये दोनों कम किया, वो भी पूरे तरीके से कम नहीं किया। वैल्यू फॉर मनी है नहीं। कितना करता है, कैसे करता है, क्या क्या करता है, राइट? ये तीन सवाल आपके दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। और आप कैसे भरोसा करेंगे कि ये तो मैं बोल रहा हूं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी, ये सर्टिफिकेट है ना, क्यों मैं सर्टिफिकेट भेजता हूं, भेजा है मैंने, आप चाहे बोलेंगे तो मैं भेजूंगा आपको सर्टिफिकेट, राइट? मैं आपको समझा पाया? यस यस। तो क्या आपको एक्सपेंसिव लग रहा है? बेनिफिट्स मिल गया आपको? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो राइट ये मिटा दूं, ये तो मानना पड़ेगा कि 18000 रुपए देके मैंने पंखा नहीं खरीदना है। पंखा अगर खरीदना होता तो मैं 1000 रुपए का ही फैन खरीद लेता ना, तो मैंने 18000 रुपए दिया है तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तो रिजल्ट्स जो आते हैं एयर प्योरीफायर लेने के बाद, रिजल्ट्स क्या क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? विद इन 24 आवर्स एयर विल बी लाइटर, इजियर टू ब्रीथ, रिड्यूस वीजिंग। 24 घंटे के बाद ये तीन चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको हल्कापन महसूस होगा। जिन्होंने एयर प्योरीफायर लिया हुआ है, क्या आप उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए जिन्होंने नहीं लिया है? हाँ बाकी लोग सुन पा रहे हैं, राइट? आप कोई शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस? आप शेयर करना चाहेंगे? आप भी करेंगे? मैं वीडियो लूँ आपका।
बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करना। हाँ एक मिनट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं भरतपुर में रहता हूँ। जब मैंने ये एग्रीकल्चर पहली बार सुना था उस टाइम मेरी बेटी हुई थी, पैदा हुई थी। जब मैंने उसको जो छींक भी आती थी तो अब मुझे पता था कि हेल्थ कितनी ख़राब है जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑन द स्पॉट मैंने डिसीजन लिया कि मैं एग्रीकल्चर परचेज करूँगा, क्योंकि जो मेरा उस समय दो ही कमरे थे हमारे, नीचे वाला कमरा एक ऊपर वाला कमरा। तो जो नीचे वाला कमरा है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी, कि जब घर में घुसते थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में, मुझे ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती थी। मैं सोचता था कि कहते बच्चे को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो साथ के साथ मैंने एयर प्यूरिफायर जैसे ही लॉन्च हुआ, कुछ समय के अंदर मैंने एयर प्यूरिफायर परचेज किया। और इसके परचेज करने के बाद जब मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं शैम्पू घर जाता था तो एयर बहुत ही लाइटन होती थी, बहुत लाइट एयर होती थी और सांस लेना बहुत ईजी होता था। और मैंने ये नोटिस किया कि मेरी जो सिस्टर है वो आए दिन किसी न किसी उसे खांसी जुकाम जो कोल्ड की बात हो रही है उसे रेगुलरली रहता था। लेकिन जब से हमने एयर प्यूरिफायर लिया, आज मुझे 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट एयर प्यूरिफायर लिए हुए, मेरे घर में मैंने नोटिस नहीं किया कि उसे कभी भी कफ या खांसी या किसी तरह का कहते हैं इन्फेक्शन ले कोई भी इशू हुआ हो। इवन मेरी बेटी को भी टचवुड है कि अभी तक कोई हेल्थ इशूज उसको नहीं हुए। तो मुझे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। अभी कहते हैं अभी मैं नीचे वाले कमरे के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो नीचे रहती है। अब मैं अपना अभी बहुत जल्दी मैं अपना सेकंड ईयर बुक भी लेने वाला हूँ सेपरेटली अपने कमरे। थैंक यू। आप शेयर करें हाँ, आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लिया मेरे छोटे बेटे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, वो नाक से सांस ना लेके मुंह से लेता था। तो सुबह जब मैं स्कूल के लिए उसको उठाने जाती थी तो वो बहुत अनइजी अनकंफर्टेबल होता था, बहुत आवाज़ निकाल निकाल के जैसे सांस लेता था। प्यूरिफायर लगाने के बाद मैंने ये देखा कुछ दिन के अंदर अंदर ही मैं जब उसे सुबह उठाने जाती थी तो वो बहुत रिलैक्स होकर सो रहा होता था, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ ये वर्क कर रहा है। कुछ ही दिनों में मुझे ये रिजल्ट मिल गया। और एक और मैं चीज़ शेयर करूँगी, जैसे मैं डे टाइम में अपने रूम में लगा के रखती थी तो नाइट में जैसे हस्बैंड घर आते हैं तो पूछते थे मुझे कुछ चेंज लग भी रहा है, तो मैं कहती हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत नींद अच्छी आ रही है। तो वो कहते थे साइकोलॉजिकल है, वो 18-19,000 रुपये खर्चे इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन विद इन अ वीक जब वो रूम में एंटर करते थे रात को तो उनको खुद को लगा कहते थे ऐसा लगता है दिन भर में एसी ऑन रखा है और ठंडी फ्रेश एयर लगती है रूम के अंदर, सिर्फ मेरे रूम के अंदर। तो ये डिफरेंस उन्होंने जैसे इन्होंने कहा ना कि मुंह से सांस लेना, ज़्यादातर आप देखेंगे कि बच्चे या बुजुर्ग ये मुंह से सांस ज़्यादा लेते हैं। क्यों? ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस ठीक से नाक से सही ना हो। ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक सिम्टम। नाक क्यों ब्लॉक हो गया? ड्राई हो जाना। हाँ ड्राई हो जाना। आप स्टेटमेंट देते हैं आप जब स्टेटमेंट, मेरे को डर लगता है ये जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये एयरवे जो पाथ है वो नाक से शुरू होता है और लंग्स तक जाके खत्म होता है ना। तो एयरवे जो पाथ है वो दिखता कैसे है? ये मसल है, राइट? मसल थोड़ा मोटा होता है, ऐसे ही होता है ना एयरवे पाथ। मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये जब इन्फेक्शन होता है तब ये जो मसल है ये सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं एयरवे इन्फ्लेमेशन। तो ये गैप छोटी हो जाती है, राइट? जब गैप छोटी हो जाएगी तो आपके शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, नाक से तो नहीं जा रहा है। आप नल का पानी बंद कर देंगे तो बाल्टी भरने में टाइम लगेगा ना, आपको ऑक्सीजन तो चाहिए शरीर चलाने के लिए, नाक से सप्लाई हो नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे? तो ड्राइनेस की वजह से नहीं है, ये जो टॉक्सिन्स जा रही है ना शरीर के अंदर वो टॉक्सिन्स मसल को सुझा देता है, स्वेलिंग कर देता है। जब मसल को स्वेलिंग कर देता है उसको बोलते हैं एयरवे इन्फ्लेमेशन। नाम सुना हुआ है? Yes. एयरवे इन्फ्लेमेशन।
आज जितने भी सिम्टम्स आपको मैंने लिस्ट किए थे, हर एक सिम्टम की वजह यही है, एयरवे इन्फ्लेमेशन। और एयरवे इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? जब आप टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा डालेंगे और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में डालेंगे, इसका जो नेक्स्ट स्टेज है ना, वो ये जो है और छोटा हो जाता है, तो वो होता है एस्थमा अटैक। तब नाक से आप सांस ले ही नहीं पाते हो, तो आपको एस्थमा अटैक होता है। उस वक्त आप क्या करते हो, आप पफ लेते हैं। पफ क्या करता है, मतलब सबसे पहले ब्लड को डाइल्यूट कर देता है और इसको केमिकली इसको बड़ा कर देता है। हम लोग क्या करते हैं एयर प्योरीफायर से, क्या कर रहे हैं कि ये जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं शरीर के अंदर, उसको ही कम कर दीजिए ना, तो इन्फ्लेमेशन ऐसे ही कम हो जाएगा। तो नाक से सांस लेना इज ऑल्सो अ सिम्टम कि अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि नाक के अंदर बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, मुंह में तो कोई फिल्टर नहीं। आप देखेंगे कि मुंह से जब सांस लेते हैं तो अगले दिन खांसी होती है। क्यों होता है? बिकॉज वो थ्रोट में इन्फेक्शन करा देते हैं। ये सब सिम्टम्स है, लेकिन हम सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते। ये तो 24 आवर्स में आपको ये डिफरेंस महसूस होंगे, फिर विद इन 48 टू 72 आवर्स रिड्यूस मॉर्निंग एलर्जी। राइट, रिड्यूस मॉर्निंग एलर्जी। कई लोगों को देखा होगा ना, हमें सुबह उठ के छींक आती है, खांसी होता है, हाँ, और सुबह उठ के नाक बंद रहता है। कई लोगों का होता है ना, जब एसी कमरे में आप सोते हैं, सुबह उठ के नाक बंद रहने का होता है शिकायत, होता है ना, तो आपको एयर प्योरीफायर से फायदा हुआ है? बिल्कुल लगाइए, आज ही बिल कराइए, और आपको 48 से 72 घंटे के अंदर आपको आराम महसूस होगा, गारंटीड है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 to 10 डेज एस्थमा अटैक्स विल रिड्यूस बाई मिनिमम 50% कन्फर्म। मतलब बना, मेक सेंस? कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आपको ये लिख के देगा? यह है आपका रिजल्ट, 24 घंटा, 72 घंटा, 7 to 10 डेज। ठीक है ना? अब आपके जवाब क्लियर हो गए? हाँ, क्लियर हो गए। एक मेरा और रिक्वेस्ट है, लास्ट वाला, 50% कम, मतलब कैसे पता लगेगा आपको? जैसे आप दिन में 3 बार पफ लेते हैं कोई, तो वो मतलब आप देखेंगे कि 7 दिन के बाद आपको हफ्ते में 3 बार लेना पड़ता है, या हफ्ते में 4 बार लेना पड़ता है। ठीक है? अच्छा, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, जिनके पास एयर प्योरीफायर है या जो लोग एयर प्योरीफायर खरीदना चाहते हैं, हमारा एक सर्विस टोल फ्री नंबर है, वो 9 AM to 7 PM रोज काम करता है, 7 days। आप इन पे कॉल करिए और अपनी फ्री सर्विस करवाइए, चाहे 2 साल हो गए हो, आप फ्री सर्विस कराइए, और अगर 2 साल हो गए तो आपको फिल्टर भी बदल देना चाहिए। ठीक है, फ्री सर्विस कराइए, कोई पैसा नहीं लेगा सर्विस, जिनके पास है। और जो खरीदना चाहते हैं वो भी खरीदने के बाद यहाँ पे कॉल करिए और आप घर पे प्रॉपरली इंस्टॉल कराइए और देखिए उसको कैसे मेंटेन करना है। क्लियर? राइट? हाँ, बिल्कुल लगाने आएंगे, जहाँ बोलेंगे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लगाने जाएंगे, फ्री में। राइट? तो मेरा, मैंने एकदम टाइम पे खत्म।
आई होप मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाया। मैं प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, बिकॉज बहुत सारे वीडियोज़ है। जनरली मैंने आज कोशिश किया कि आपके डाउट्स को हैंडल कर सके, और आप जब किसी के सामने बैठे तो आप प्रॉपरली उनको मैनेज कर सके। आप ये समझिएगा, स्टेप्स को फॉलो करिएगा, उनको समझने की कोशिश करिएगा, राइट। एक पॉइंट लास्ट में और बताऊंगा, ये वाला साइड अप मिटा देता हूँ। आपको यज्ञ मालूम है? यज्ञ मालूम है क्या होता है? हवन। हवन में क्या होता है? चलाते हैं। एक होता है जजमान, नहीं जजमान, पंडित को मीडियम है, जैसे आप पोस्ट वो नहीं लगाते, आप चिट्ठी लिखते हो फिर स्टैंप लगाते हैं, फिर वो चिट्ठी वहां तक पहुंचती है, मैसेंजर। जो आपके पंडित जी है वो है मैसेंजर, पोस्टमैन है, पोस्टमैन है वो, आपकी वार्ता जो है देवता तक पहुंचाते हैं। तो जजमान होते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, क्षमा करिएगा, यह जजमान, राइट। एक है देवता, देवता, राइट राइट। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम स्वाहा करते हैं, हाँ, और देवता को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, राइट। और ये पहुंचाते हैं, स्वाहा पहुंचाते हैं, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वहां से, ये है स्वाहा, ये क्या है, तथास्तु, हाँ, ये ट्रांजैक्शन है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखिए। ये आपका कस्टमर है, ये आपका प्रोडक्ट है, हाँ, तो लक्ष्मी इनके पास है, ये लक्ष्मी आपके पास तभी आएगी जब आप स्वाहा करेंगे, प्रॉपर स्वाहा करेंगे। जितना बेहतर आपका स्वाहा उतनी अच्छी आपकी। थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट।